भारतीय किसान यूनियन सेना ने अलकनंदा घाट पर एक दिवसीय राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन किया। इस दौरान अधिवेशन में किसान संगठनों ने एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून लागू करने और बिजली दरों में कटौती करने, उपज का सही दाम दिलाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। हरिद्वार में एक दिवसीय किसान राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान किसानों की 10 मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन सेना ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों की समस्याओं को बताते हुए भारतीय किसान यूनियन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार ने कहा कि सरकार किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने, एमएसपी पर गारंटी देने सहित किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किसान चीनी मिलों पर बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महंगी बिजली की दरों और आसमान छूते डीजल के दामों की वजह से किसानों को खेती करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की नीतियों के चलते लघु और मझोले किसान सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ हमने अपने प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 7 सूत्रों मांगों पर बात करी है, जिसमें एमएसपी गारंटेड कानून, किसानों को 10,000 पेंशन जो उम्र 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, इसके अलावा आपकी स्वामीनाथन आयोग का गठन। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।